प्रणाम। अबूतानी टॉक के यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आज में जो एक सोशल वर्कर समाज का काम करते करते आज इसका लाइफ का सक्सेस का बारे में तो थोड़ा सा बताऊंगा। आप सबको जान पहचान है और रहने वाला हमारा बोइंग विलेज पासीघाट का है। ताजोम तासुंग से आज डॉक्टर ताजोम तासुंग बन चुका है और आज दुनिया का सबसे बड़ा ओकेजन सेरेमोनी में भी इसका इनवाइटेशन आया है, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री का कार्यक्रम में और भारत का प्रेसिडेंट, भारत का जो राष्ट्रपति का कार्यक्रम में भी वो अटेंड कर चुका है। और आज भारत नहीं पूरा विश्व में राम मंदिर के बारे में आप सबको मालूम है, इसमें भी इसका इनवाइटेशन आया है। इसका सक्सेस का पीछे क्या है थोड़ा सा शास्त्र हम जानेगा और शास्त्र अभी योगा कर रहे। देखो आज पूरा दुनिया भारत को योगा का देश का नाम से जाना जाता है, तो वो भी एक योगी है, योगा करता है और इसका सक्सेस का पीछे, सफलता का पीछे भी यही रास होगा। इसका आज सार से हम लोग बात करेगा कि इसका दिनचर्या, लाइफ टाइम, इसका खान पान, इसका कैसा रहता है, कैसा योगा, इसका लाइफ स्टाइल के बारे में। और सार से पूछेगा कि आपका इनवाइटेशन, जो भारत का जो सबसे बड़ा कार्यक्रम इनवाइटेशन आया है, सार क्या सोच रहा है, इसमें भी सार से बात करेगा। पूछ रहा है सार, अभी देखो योगा कर रहा है सार, क्या क्या योगा करता है आप? सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार ये करता है और ये स्पाइनल कोड के लिए ये करता है, और इसके बाद ये भुजंगासन ऐसा करता है और पैर को ऊपर उठाना ये ऐसा करता है। प्राणायाम में कुंडलिनी, कपालभाति, कपालभाति अनुलोम विलोम ये दोनों करता है, और इसके बाद आँख के लिए भी ऐसा करके वो करना। कितना बजे सुबह उठ के सारे योगा करते हैं? हम 5:30 to 6। अच्छा, कान अंदर में हो जाता है या कभी कभी 6:30 से तो लगभग आधा घंटा का, जैसे शुरू में हम थोड़ा वार्म अप करता है। अच्छा। वार्म अप करने के बाद 5-10 मिनट वार्म अप, इसके बाद मेन योगा पे आते हैं। मेनली आजकल हम ये स्पाइनल कोड के लिए ये करता है, बैक पेन के लिए। अच्छा। मेरा ये disc 2 and disc 4 खराब है ऐसा बोला, इसलिए इसके लिए ही हम अभी करता है। पहले तो बहुत करता था, बहुत मैंने ये योगा में स्कूल लाइफ से, वो हम जब पासीघाट स्कूल में पढ़ता था उस समय कोई सिखाने वाला आया था वहाँ सारा बच्चों को, तो उससे हम योगा ये सीख, अभी पर्टिकुलर में आ गया, अभी एस होने के कारण पर्टिकुलर सिर्फ डिस्क के लिए अभी योगा कर रहा है। कैसा लग रहा है ये भी? हाँ, ये बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि मैं पहले बहुत डर्ट हुआ था, तो किसी ने हमको बोला योगा, आप योगा भी कीजिए, मेडिसिन भी खाइए, तो मैंने टोंके जी को बात किया है। टोंके जी तो रामदेव बाबा का हुआ में ये सिक्के आया है, टोंके जी ने हमको कुछ कुछ बताया, तो बाद में रामदेव बाबा का वीडियो भी हमको क्लिप, वीडियो क्लिप भी भेजा है, तो वो वीडियो क्लिप देख देख के मैं कर रहा हूँ। तो अभी 2 साल हो गया, मेरा कमर दर्द तो मैंने नाका बराबर है। अच्छा, नाका बराबर है अभी तो। और भी सर से बातें करना है, बहुत करना है, क्योंकि इसका सोशल वर्क से लेकर अभी डॉक्टर कैसा बना और कभी हमारा भारत का प्रेसिडेंट में भी वो गया है इसका कार्यक्रम में, अभी भारत का प्रधानमंत्री राम मंदिर में भी जाने वाला है सर, इससे आपसे फिर बात करेगा सर। जी, वर्क के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। डॉक्टर मिलने के कारण आदि बाने के बंग ने सर्टिफिकेट ऑफ कमेंडेशन 2023 में दिया है। अच्छा, जी बारे में ये लीडरशिप अवार्ड में दिल्ली में अवार्ड दिया है हमको संगठन ने, लीडरशिप अवार्ड दिल्ली में मिला है। अच्छा, ये धोनी पोलो का, ये हमको जब फेलोशिप किया है जब हम सिद्धेश्वर के गया था सिंपू में। और सर ये जब राष्ट्रीय भूष हमको दिल्ली में बुलाया था, आउट गोइंग प्रेसिडेंट उनका ऑनर में ये अशोका होटल में ये आयोजित किया था इंडियन गवर्नमेंट ने, और ये इस समय हमको बुलाया, वहाँ में हम फोटो खींचा है योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर के साथ में। और ये सर ये CBM इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ने हमको डॉक्टरेट उपाधि दिया है, डॉक्टरेट जो उपाधि मिला था। ये हम लोग का दोनी पोलो मंदिर का ये
मॉडल है, मॉडल है। हाँ। ये 2018 में गवर्नमेंट अरुणाचल प्रदेश ने हमको गोल्ड मेडल दिया है। अच्छा, गोल्ड मेडल सर्टिफिकेट है। ये बेटी का है, आईसीआर उन्नो का बेटी का है। अच्छा, ये उस समय जब राष्ट्रभूष में जब आया था उस समय अमित शाह का साथ, ये हम लोग का राष्ट्रीय अध्यक्ष है कार्यालय जी, और ये मैं हूँ। अच्छा, अमित शाह के साथ ये साथ बैठा हुआ है, भारत के चाणक्य माना जाता है। ये बेटी का, ये बेटी का है। तो सर का इस प्रकार से यार, और सर ये कुछ टोपी वगैरह भी मिला है, ये कब को कहाँ का मिला था सर? ये इनके में जब बुलाया था उधर हमको गेस्ट ऑफ चीफ गेस्ट बुलाया था। अच्छा, तब तो हमको दिया था, ये गेकू में दिया था। हाँ, गेस्ट ऑफ, और ये किसी मेरा मागबन ने हमको दिया है। मिसिमी का। ये इस प्रकार से सर का बोर्ड कुछ अवार्ड यहाँ है, थोड़ा कुछ आप लोग को दिखा रहा हूँ सर। इसका बाद अब ये राष्ट्रभूष का इन्विटेशन, ये कार्ड है, वो अमित शाह का, अमित शाह खुद साइन किया है। अमित शाह साइन किया है ना, खुद साइन किया, साइन करके हमको भेजा है। अच्छा, और ये देखिए, ये इसमें ये मेरा टेबल नंबर था थापी। अच्छा, इस टेबल में जाके हम खाना खाया है। अच्छा, और ये इन्विटेशन कार्ड था, ये इन्विटेशन कार्ड था, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ द एकॉम्पनी ऑफ श्री ताजम तासुंग एट डिनर्स ऑन फ्राइडे 22 जुलाई 2022 एट 2000 आवर्स एट द अशोका होटल न्यू दिल्ली। ये लिखा है, तो इसके बाद ये अमित शाह का ये है, प्लीज ब्रिंग दिस, उसको ले आने के लिए ये है, ये इन्विटेशन कार्ड है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। और ये सर, और ये निमंत्रण पत्र जो अभी अयोध्या में हमको ये राम लाला प्राण प्रतिष्ठा में हमको बुलाया गया है। अच्छा, मेरा कोड नंबर ये 6866, ये मेरा कोड नंबर है, ये कोड नंबर लेके हमको जाना पड़ेगा। वो लेटर को हमारा ऑनरेबल MLA कालिंग मोयंग ने अवगत किया, सौंपा गया है, हमको दिया गया है। अच्छा, और वहाँ से ये पवित्र ये साउल भी भेजा है, साउल भी भेजा है। ये साउल भेजा है, और इसके बाद यहाँ में पत्र का निमंत्रण पत्र है, और सारा बाकी डिटेल्स यहाँ में है। ये तो मंदिर का बारे में, अच्छा, ये कौन कहाँ, ये सब किसने काम किया है, इसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। और ये मेरा निमंत्रण पत्र है, ये कोड नंबर 6866, ये लेके हमको जाना पड़ेगा। ये मेरा साथ रहेगा, और ये इसका बारे में बताया गया है, और ये भी एक पोस्ट कार्ड है, पोस्ट कार्ड हम राम मंदिर का ये सेम बोर्ड पोस्ट कार्ड दिया है हमको, और इसमें ये निमंत्रण पत्र है, ये भी ये निमंत्रण पत्र है हमारा। अच्छा, पूरा कार्यक्रम का डिटेल्स, कार्यक्रम का डिटेल्स दिया है यहाँ में, कब आना, घुसना 11 बजे का अंदर हमको घुसना है, ऐसा यहाँ में लिखा गया है। और मेरा मोबाइल वगैरह सारा नहीं, सिर्फ आधार कार्ड और ये इन्विटेशन कार्ड दोनों को लेके जाना पड़ेगा, बाकी सब के साथ ना, बाकी सब बाहर में रखा जाएगा, ऐसा ये किया है। तो सर को कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने बहुत जिंदगी का सफर का बारे में आपने जो आप सफलता पाई है इसका बारे में सर थोड़ा बता रहा है। ये बहुत हिस्टोरिक डे है, हिस्टोरिक रिकॉर्ड रहेगा। तो हम सुबह से लगा हुआ है सर से मिलने के लिए यहाँ आया, आके यहाँ का योगा का बारे में देखा, आपका सफलता का बारे में देखा सर, आपका सफलता का राज क्या है, आपका लाइफ स्टोरी का बारे में थोड़ा सा बताइए। आपने सोशल काम करते हुए डॉक्टर का डॉक्टरेट मिलना, इतना अवार्ड मिलना, और फिर आज प्रेसिडेंट का वो में बूथ में जाना, फिर आप इतना राम मंदिर में आपको प्रधानमंत्री आपको बुलाना, आप क्या सोचता है, क्या है आपका फिलहाल, और शुरुआत कैसे आपने इतना जीवन को सक्सेस बनाया सर? देखो, जीवन का सक्सेस तो मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, सक्सेस है या नहीं, लेकिन हर समय मैं संघर्ष करता और कोशिश करता हूँ
समाज में जुड़ने के लिए। वैसे मैं बचपन से ही स्कूल लाइफ में ही मैं समाज का काम में जुड़ा हुआ था। जैसे मैं हायर सेकेंडरी स्कूल में 1975 में जनरल सेक्रेटरी रहा। इसके बाद 79 में जब हम शिलोंग में प्यू कॉम कॉमर्स पढ़ने गया था, वहाँ में सोलुंग सेलिब्रेशन किया था। हमारा स्वर्गीय ये जमीन तायंग जी वहाँ में इस समय इलेक्शन कमिश्नर था, वो प्रेसिडेंट था और हमको सेक्रेटरी बना के हम लोग वहाँ भी सोलुंग उत्सव अच्छा से मनाया। इसके बाद वहाँ पढ़ते समय किसी नामसुम मैडम, एक मैडम था वो इसका एजुकेशन ये था डायरेक्टर था, उसने हमको बताया आप लोग अपना ये में डिस्ट्रिक्ट में फुटबॉल एसोसिएशन बनाओ। तो इसलिए हम मैंने फुटबॉल एसोसिएशन बनाया इस यंग स्पोर्ट एसोसिएशन मेरा साथियों के साथ, जैसा गागा मीरे हुआ, ओकम जामा हुआ और डीसी लेगा हुआ और कई अन्य लोग ओएम वोएम हुआ, हम लोग मिल के फिर यहाँ में इस यंग स्पोर्ट एसोसिएशन करके फुटबॉल खेलवाया, कैरम खेलवाया और बैडमिंटन खेलवाया, वॉलीबॉल खेलवाया, ऐसा करके वहाँ में भी हम लोग बहुत चार पाँच साल ये किया है, ऑर्गेनाइज किया है। इसके बाद दिया डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट अथॉरिटी आ गया अरुणाचल में, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट अथॉरिटी ऐसे एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट एसोसिएशन आने के बाद वो डीसी फिर इसका चेयरमैन बना, तो मैं जॉइंट सेक्रेटरी बना और पाठक सर हम लोग का डीडीएस, वो भी डीडीएससी नहीं, पहले तो डायरेक्टर यह था, स्कूल इंस्पेक्टर था, उसने सेक्रेटरी बना। तो इसके बाद मैं अपना गांव में आया, ये पब्लिक लाइफ में जिया है, पब्लिक लाइफ में मैंने ग्राम पंचायत हमको चुना गया है, तो मैं अंचल समिति भी बनाया है। मेरा समय में स्कूल भी मैं बोइंग स्कूल को भी लेके आया था, नया नया 1995 में ये लाया था। इसके बाद मैं समाज में धीरे धीरे जुड़ने लगा, तो बाद में 2006 में हमको डोनी पोलो एलांग केबांग में बुलाया गया था। तो मैं डोनी पोलो एलांग केबांग में सेक्रेटरी जनरल, पहले सेक्रेटरी था, जनरल सेक्रेटरी था, इसके बाद सेक्रेटरी जनरल करके अभी 18 ईयर्स माने कंटिन्यूस हर 3 साल का बाद फिर हमको सेलेक्ट करता है। तो से 6 टाइम हमको सेलेक्ट किया है, इसलिए हम 18 ईयर्स अभी ख़त्म करने वाला है। तो आने वाला फिर ये फेब्रुअरी में होगा, तो पता नहीं उसमें फिर हमको देगा ना किसी को देगा, पता नहीं, देने से तो 7 टाइम्स हो जाएगा। तो इसके बाद मैं इसका अंदर में जब समाज में रहा, तो मैं पहले बगोंग बांगो एथर कमिटी, ये का खेती का जो एक पेंसिंग था ये हम लोग समाज का, वो पेंसिंग का सेक्रेटरी रहा। तो लगभग 22 किलोमीटर पेंसिंग को हम लोग बारबेड वायर से पेंसिंग करवाया था। ये एक मेरा, मैंने सोचा ये एक मैं अच्छा काम समाज के लिए किया है। इसके बाद जब धोनी पोलो इलाम के बाग में आया है, तो मैं ये न्यानी गागी मिशन करके एक मिशन किया था, वो नामसाई डिस्ट्रिक्ट से जो बच्चों को यहाँ आके पढ़वाना, ये घर घर में रख के अपना ये रीति रिवाज को सिखाना और अपना फेस्टिवल को सिखाना, ऐसा करके एक मिशन भी किया था। वो मिशन कुछ हद तक सक्सेस हुआ है। और इसके बाद हम लोग ये सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करके हल्दी का खेती करवाया था और अदरक का खेती करवाया था। लगभग सियांग, ईस्ट सियांग, अपर सियांग, ये 3 डिस्ट्रिक्ट को हम लोग कवर किया था। तो 240 से ज़्यादा फार्मर को हम लोग ये सीट दिया था। तो ये भी इसके बाद ताकिलालुंग में सिट्रोनला प्रोजेक्ट किया था। तो सिट्रोनला अभी भी है, वो मशीन अभी थोड़ा डिपांग हो गया, लेकिन थोड़ा सोला था वो, पार्टी गांव वाला भी बहुत बेनिफिट मिला था। सिट्रोनला अभी भी वहाँ में है, सिट्रोनला प्रोजेक्ट 2 प्रोजेक्ट दोनी पोलो इलाम के बंग समय में मैंने ये किया था। इसके बाद जब वनवासी कल्याण आश्रम अरुणाचल विकास परिषद में जुड़ा, जुड़ने के बाद हमको फिर नॉर्थ ईस्ट इसका सरदार जागरण प्रमुख हमको दिया है, और इसके बाद ऑल इंडिया में हमको नेशनल एजुकेटिव मेंबर वनवासी कल्याण आश्रम में दिया है। और इसके बाद आपका ये बीकेबी में भी पहले हम नेशनल एजुकेटिव, वो तो राष्ट्रीय एजुकेटिव का ये मेंबर था, वो भी प्रसार प्रमुख अरुणाचल में है। तो मेरा ये इस 20 में बीकेबी स्कूल भी हम लोग
दोनीपोल एलम कबांग थ्रू से मेरा इनिशिएशन से बीकेबी स्कूल लाया था, लेकिन थोड़ा हम लोग उसमें सहमत नहीं होने के कारण गांगिंग का अंदर नहीं हुआ। फिर भी गांगिंग का बगल में बोगोंग बांगो एलम बोगोंग बांगो कमिटी ने प्रेसिडेंट ने हम लोग को 8 acres स्पीड दिया, तो अभी बीकेबी भी ये कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट 80% कंस्ट्रक्शन कम्प्लीट हो गया। और इसके बाद ये हम लोग एक गुरुकुल भी यहाँ बात किया था, और ये दोनी पोलो चैरिटेबल कल्चरल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट ये थ्रू, इसमें भी हम मैं सेक्रेटरी रहा, तो लेकिन वो भी यहाँ नहीं हो पाया, इसलिए वो अभी कोमसिंग में चला गया, वो भी अभी फिलहाल चालू है। तो यही मेरा एक जीवन में थोड़ा बहुत ये मैंने किया है। और निजी जीवन में तो मैं एक परमार हूँ, मैं संतरा का ये बागान करता, लगभग 3-4 हज़ार से ज़्यादा संतरा मैंने उगाया था, तो मैं बेसिकली एक परमार हूँ। फिर सर से आपका ये अपना स्टोरी बताया, आपने जीवन में क्या क्या काम किया, समाज के लिए क्या किया, लेकिन सर आपने जो भी फल मिलने लगा है, समाज ने आपको ऑनर देने लगा है, तो आप कैसा सोचता है? जैसे आपने ताजों ताचुंग से डॉक्टर हुआ, अभी आपको टाइटल मिला, फिर आपका प्रेसिडेंट बूस में गया, आपने कैसा ला, और फिलहाल लेटेस्ट विश्व का सबसे बड़ा रिलीजियस सेरेमनी में भी आपको इनवाइट किया, हिस्टोरिक डे है, आप कैसा लग रहा है ये सब अभी आपने अचीव करके, और समाज को क्या संदेश देना चाहता है? मैं बहुत खुशी हूँ ये, और मैं ऐसे लगने लगा शायद ही मैं समाज के लिए कुछ किया होगा, ऐसा मैं भी महसूस करने लगा और बहुत खुशी है। जब राष्ट्रपति सुना गया था, तो हम लोग का नया राष्ट्रपति आया था मुर्मू द्रौपदी मुर्मू आया था, तो और हमारा जो राष्ट्रपति जो जाने वाला था, तो राष्ट्रभूष में हमको दिल्ली में बुलाया था, प्राइम मिनिस्टर के नाम से अमित शाह ने बुलाया था आउटगोइंग प्रेसिडेंट के लिए अशोका होटल में, तो वहाँ मैं गया था ये, और मेरा अध्यक्ष करारी जी, वनवासी कल्याण संघ का अध्यक्ष करारी जी, हम दोनों वहाँ गया था, और कई अदर्स ये से भी लगभग हम लोग 25 जनजाति लोग को हम लोग को बुलाया था, वहाँ हम लोग राष्ट्रभूष किया है। और इसके बाद राष्ट्रभूष होने के बाद फिर हम अरुणाचल में, अरुणाचल गवर्नमेंट ने हमको 2018 में गोल्ड मेडल अवार्ड किया है, तो वो मैं गोल्ड मेडल हमको दिया है, इस समय देलोंग पाडुंग को भी दिया है, तो हम कई लोग को दिया है, तो इसमें हमको भी दिया है गोल्ड मेडल। और इसके बाद जो अभी फिलहाल एक निमंत्रण आया है, तो ये राम लाला प्राण प्रतिष्ठा में राम अयोध्या में हमको विटनेस होने के लिए बुलाया गया है, तो उसमें प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होगा और बड़े बड़े लोग साधु संतों का सम्मेलन होगा, तो इसके बाद वहाँ फिर हम लोग जब 11 बजे तक तो घुसना है, इसके बाद लगभग कार्यक्रम जो है 1 बजे तक चलेगा, 1 बजे के बाद जब प्रधानमंत्री जाने के बाद हम लोग फिर दर्शन करने सकेगा, तो इसलिए मैं बहुत खुशी हूँ, मैं एक खुद को महसूस करता हूँ भाग्यशाली है जो हमको बुलाए निमंत्रण दिया गया है, शायद ही श्री राम चंद्र का ही इच्छा था, भगवान का ही इच्छा था, तो मैं इच्छा के अनुसार वहाँ जाने का अवसर मिल रहा है, इसके लिए मैं बहुत बहुत सभी को धन्यवाद देता हूँ। और ये समाज को भी यही बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ मेरा नहीं, मेरा सारा समाज के लिए, अरुणाचल का या समाज के लिए, सारा समाज के लिए ही ये गौरवान ये स्थिति है, क्योंकि मैं अरुणाचल को ही लेके, अरुणाचल का नाम से ही या डोंजीपोलोंग येलाम केबांग का नाम से ही लेके हम जा रहा है, तो हम सभी के लिए ये गौरवान है और सभी का ही मान लो एक निमंत्रण है, ऐसा मैं सोचता हूँ। और हमारे दोनीपोलो येलाम केबांग और अरुणाचल वासियों की ओर से सर को भी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका यात्रा मंगलमय हो, थैंक यू, भगवान राम दोनीपोलो आपको आशीर्वाद दे। सर साथ में आपको जो डॉक्टरेट जो टाइटल मिला है, ये किसका थोड़ा सा सर एक्सप्लेनेशन? ये डॉक्टरेट जो हमको मिला है, तो पहले हमको लीडरशिप अवार्ड नॉर्थ ईस्ट का लीडरशिप अवार्ड के ये दिल्ली में सारे देश से जितना ये लीडर्स जो समाज में काम करने वाला, इसमें डॉक्टर हो या समाज में काम करने वाला हो या साइंटिस्ट हो या स्पोर्ट्स हो या सभी को ये
लीडरशिप अवार्ड दिया है, तो इसमें हमको लीडरशिप अवार्ड है, इसमें मेरा एक थोड़ा सा साइटेशन मैंने दिया था, मेरा साइटेशन, तो साइटेशन को देख के वहाँ का डायरेक्टर ने बोला है आप तो डॉक्टरेट भी मिल सकता है, तो मैंने बोला है तब तो देखिए आपका बात है कैसा मिल सकता है, तो वो तुमको मालूम नहीं, तो वो करने के बाद डॉक्टर टोनी को तो शायद उसका ये है, उसका संपर्क में है या उसका संगठन में है वो, टोनी कोई ने हमको बोला है आंगोंग आपको ऐसा ऐसा ये उन लोग देना चाहता है, तो मैंने बोला देना चाहता है तो ठीक है, तो इसलिए हमको दिया है, तो CBM ये USA का है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है USA से, वहाँ का CBM ने यूनिवर्सिटी ने हमको ये डॉक्टरेट उपाधि जो है दिया है, वो 2021 में ये केरला में वो देना था लेकिन हम जा नहीं पाया, लेकिन फिर वहाँ उन लोग का आदमी जो डायरेक्टर खुद यहाँ आके मेरा घर में आके और हमको टोनी को हम दोनों को ये डॉक्टरेट उपाधि को दिया है, और ये जो गाउन जो है उसको भी हमको पहनाया है, तो ये मेरा डॉक्टरेट माने एक उपाधि मिला, इसके लिए भी मैं बहुत खुशी हूँ। समाज का डॉक्टर है, हम समाज का डॉक्टर है, ये ट्रीटमेंट का डॉक्टर नहीं है, ये समाज का डॉक्टर है, क्योंकि ये समाज का जो रोग था, समाज का जो अपना धर्म संस्कृति अपना कल्चर को डेवलपमेंट का बारे का डॉक्टर है, क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया है, मतलब अच्छा रोग खराब रोग को हटा के मैंने समाज का मेंटेलिटी को सोच को ठीक किया है, इसका ये एक डॉक्टर है, ये सामाजिक डॉक्टर है, तो सर को हर ढेर सारे शुभकामनाएं, ऐसे आपका जीवन मंगलमय हो, ऐसे ही सफल हो, ऐसा टोनी पोलो और राम भगवान से प्रार्थना करता हूं, आपका जीवन आगे बढ़ते रहे, क्योंकि आप जाना मतलब हमारा टोनी पोलो येलाम कबांग का जाना है, आप जाना मतलब इंडिजीनियस हमारा अरुणाचल का पूरा इंडिजीनियस समाज का रिप्रेजेंटेटिव करने जा रहा है इधर, क्योंकि आप सबका भी प्रेसिडेंट भी रहा है, तो शायद पूरा टूल मूल देख के सर को सफलता मिला है, तो ऐसे ही आगे बढ़ेगा सर, इसके बाद आपको खासकर राम मंदिर में जब आप जाएगा सर प्रधानमंत्री के साथ और पूरा विश्व से जितना भी लोग आ रहा है, तो इसके फोटो वगैरह वीडियो वगैरह जरूर लेके आना सर, आप भी देखेगा, और साथ सर लोग 22 जनवरी को जाएगा, हम लोग शायद 14 को हम लोग भी निकल रहेगा फेब्रुआरी को, तो हम लोग भी देखने जा रहे हैं सर कहाँ जा रहे हैं, तो सर को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सर, बॉम्बेरुंग डोनी पोलो नाम से डिस्ट्रिक्ट से आया हुआ है, ये केनिया पांगकोम सर, ये सर, ये ताबोरताली ताजोम सासुंग जो हमारा सोशल वर्कर डोनी पोलो का सेक्रेटरी के साथ साथ अभी डॉक्टरेट अवार्ड भी मिला है, और अभी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में भी सर को इनवाइटेशन किया, इसको सर को थोड़ा सा थैंक्स कॉन्ग्रेचुलेशन देने के लिए हम सब आया है, सर को धन्यवाद, बॉम्बेरुंग डोनी पोलो सर को एक बार हाथ सर के एक बार हाथ ब्रेकफास्ट ब्रेथ कहेगा अभी सर का घर में ब्रेकफास्ट बिला कमांग को कॉन्ग्रेचुलेशन के लिए हमारा नामसाई डिस्ट्रिक्ट से ये है, तो धन्यवाद सर को, एक बार फोटो भी हो जाए।